All right, hi guys, good morning. So yeah, chat ka window. Right, so हम लोगों ने लास्ट क्लास में मॉल कंसेप्ट चैप्टर खत्म कर लिया था. टुडे वी वांट टू स्टार्ट विद Atomic structure, but before I start with atomic structure, थोड़ा बहुत points हैं which I would want to discuss with everyone. Just one second, give me one minute. All right. Now. So as I was saying कि मूल कंसेप्ट में अब आगे आप लोगों को क्या करना है. लेट मी पुट सम लाइट ऑन दैट. जस्ट गोइंग टू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ योर टाइम. ऑल राइट, सो सबसे पहले अभी जो आपके सामने टास्क है, हम लोग आज एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे. ओके, आर्यन का कुछ डाउट है. सर ये जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ा जा रहा है वो ऑफलाइन क्लास में रिपीट होगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट आर्यन. मतलब डू यू थिंक ऑफलाइन क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट एनी टाइम सून? एंड डू यू थिंक देन यू विल हैव द टाइम टू रीवर्क ऑन द 2 months का पूरा मेहनत? एंड इनफैक्ट 2 क्या, अभी तो आप लोगों को अप्रैल हो गया, मई हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त, आई डोंट थिंक सितंबर के पहले आप लोगों का ऑफलाइन क्लास शुरू होगा. तो आपको क्या लगता है कि 4 महीने जो पढ़ाया है वो आपको ऑफलाइन में दोबारा बैठ के पढ़ना पड़ेगा? आप खुद ही गिव अप मार दोगे. एनीवेज हाँ हाँ ऑफकोर्स डाउट्स तो हमेशा ओपन ही है सार्थक. यू कैन ऑलवेज आस्क. मतलब आपको क्या लगता है अभी जो 12th क्लास में बच्चे हैं वो मुझसे 11th क्लास के चैप्टर्स के डाउट्स नहीं पूछते हैं? ऑफकोर्स दे कम एंड आस्क. राइट, आई विल. हाँ, रिविजन एंड ऑल विल बी डन before the tests. All right. So मैं उसी के ऊपर, इनफैक्ट मैं रिविजन के ऊपर ही अभी आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाह रहा था, तो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना. अभी मोल कंसेप्ट की बुकलेट में हमारे सामने क्या क्या टास्क है वो मैं एक बार बता देता हूँ. सो देर इज बुकलेट का हम लोगों ने काफी सारा चंक कंप्लीट कर लिया है. इसमें FBO, FBS एंड गेट इक्विप्ड सेक्शन. ठीक है, गेट इक्विप्ड सेक्शन में एक्चुअली मेंस एंड एडवांस्ड ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है, सो लेट मी गिव टाइम टिल 16th. ठीक है, सैटरडे. ये मैंने आपको होमवर्क लास्ट क्लास में दिया था, बट ठीक है, सरप्राइजिंगली अभी आप लोगों का फिजिक्स एंड मैथ्स का वर्कलोड भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो लेट्स रिलैक्स द टाइमलाइन फॉर दिस. ये आप 16th तक करके दो. ठीक है, देन इसके अलावा बुकलेट में सेक्शंस बचते हैं एक्सपर्टीज के एंड विंडो के. ठीक है, नाउ टिपिकली ध्यान से सुनना, दिस सेक्शन ऑफ एक्सपर्टीज इज नॉट टू बी डन बाय एवरीवन. ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी समझाया है और बताया है दैट हर स्टूडेंट का अपना एक लर्निंग कर्व है. ठीक है, नॉट ऑल ऑफ यू आर गियर्ड अप टू वर्क ऑन द एक्सपर्टीज का सेक्शन. ठीक है, तो आपको ये स्मार्टनेस भी दिखानी है
that you should not get stuck with something which you are right now not ready for. तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है? आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होता जाएगा, तो यू कैन कम बैक टू द एक्सपर्टीज सेक्शन. राइट नाउ एक्सपर्टीज सेक्शन इज ओनली ऑप्शनल. इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु थिंक हैव द टाइम एंड कैन वर्क विद दीज क्वेश्चंस, ठीक है? बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं. मतलब हो सकता है कि एक क्वेश्चन को सोचने में करने में आपको आधा घंटा के ऊपर लग जाए, ठीक है? कुछ क्वेश्चन ईजी भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकते हैं. सो दिस इज एज आई सेड कंप्लीटली ऑप्शनल, ठीक है? इसका भी मैं आप लोगों को वैसे वीडियो एक्सप्लेनेशन बना के दे दूंगा, ठीक है? बट नॉट एनी टाइम सून. आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू वर्क विद दिस. जिनको करना है, जिनको नहीं करना है, दे कैन कंप्लीटली स्किप विद दिस. अच्छा, देन विंडो वाला पार्ट जो होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं मेन्स एंड एडवांस वाले, ठीक है? नाउ टिपिकली इसमें से जो गुड क्वेश्चंस होते हैं ना, सो जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं टिपिकली कोशिश करता हूँ कि क्लास में कवर कर लूँ, ठीक है? एंड जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है, दैट इज समथिंग विच जनरली अगेन आप लोग अभी भी कर सकते हो, ठीक है? और इट कुड बी द केस, जैसे रिविजन्स जब करते हैं ना स्टूडेंट्स लोग बाद में, मतलब नॉट राइट नाउ, तो उनको एडवाइस करा जाता है दैट आप यू नो प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज बुक लेकर उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है? टिपिकली अरिहंत का बुक आता है, ठीक है, जिसमें से पास्ट 30-35 ईयर्स के, ठीक है, और वो हर साल अपडेट होता जाता है पिछले साल के क्वेश्चंस लेते हुए, तो वो आपको एडवाइस करा जाता है, ठीक है? समटाइम्स सम टीचर्स प्रेफर कि आप जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो उसके साथ में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? समटाइम्स इट इज प्रेफर्ड कि आप इन क्वेश्चंस को एज पार्ट ऑफ योर रिविजन बाद में, जब आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हो तब भी कर सकते हो, तो ठीक है? तो अगेन इट इज समथिंग विच कैन बी डन राइट नाउ और इट कैन बी डन लेटर, ठीक है? अगेन दिस इज समथिंग विच आई एम कीपिंग ऑप्शनल, ठीक है? ये ऊपर वाले सेक्शंस मैंडेटरी हैं, FBO, FBS, गेट इक्विप्ड टू मेंस एंड एडवांस्ड, ये आपको सैटरडे तक करने हैं. ऑलराइट, तो ये आपका बुकलेट कंप्लीट कर देगा, ठीक है? देन बुकलेट के अलावा अब मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस डीपीपीज बोल लो या प्रैक्टिस टेस्ट, ये शेयर करूंगा आपके साथ में, ठीक है? आज आफ्टर द क्लास आई विल शेयर. सो देयर विल बी टू डीपीपीज, आई थिंक DPP 8 एंड DPP 10, ठीक है? ये दो डीपीपीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा. इनमें से कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर बेस्ड होगा एंड देन मिक्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर है, ठीक है? ये वाला ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर है प्राइमरीली, एंड देन दिस इज अ मिक्स्ड वन, ठीक है? इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म के भी क्वेश्चंस है, ठीक है? दिस इज समथिंग विच यू विल और विच यू शुड बी एबल टू डू अगेन बाय संडे, ठीक है? टिल संडे 17th तक का टाइम ले लो आप, क्योंकि अभी जैसे आज की क्लास में मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में भी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग पार्ट ही कवर करूंगा, तो आपको हार्डली कुछ होमवर्क मिलेगा, ठीक है? एटॉमिक से, एटॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल गेट अ ब्रीदिंग स्पेस. तो अभी स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर्स तो शायद ही कुछ होमवर्क आप लोगों को मिले, तो आप आराम से मूल कंसेप्ट के ऊपर फोकस करके ये टास्क पूरे कर सकते हो, ठीक है? नाउ अब इसके अलावा जो मूल कंसेप्ट का असाइनमेंट 3 था, वो मैं आप लोगों के साथ में सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, ठीक है? काफी डिफिकल्ट असाइनमेंट था, अगेन ऑप्शनल था, मतलब आप मान सकते हो कि उसके क्वेश्चंस का लेवल या एक्सपर्टीज अटेनर के लेवल के क्वेश्चंस जैसा था, ठीक है? जो मैं मूल कंसेप्ट का असाइनमेंट 3 भेजा था, ठीक है? उसमें से अगर आपसे सिलेक्टिवली कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं राइट, सो डोंट नीड टू वरी, इट वॉज मेंट टू बी डिफिकल्ट, ठीक है? समथिंग चैलेंजिंग.
उसका भी मैं असाइनमेंट का मैंने एक्चुअली सॉल्यूशंस तो बना लिए हैं, उसका मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिविजन एस्पेक्ट ऑफ अ चैप्टर, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच इज ट्रू फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। जो रिविजन वाला पार्ट है ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था, यू कैन से रफली 20% इज थियोरी एंड 80% आर क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। फॉर न्यूमेरिकल चैप्टर लाइक मोल कंसेप्ट दैट वी हैव जस्ट डन, ठीक है। सो ये थ्योरी से आप कैसे रिविजन करोगे, जो थ्योरी के लिए आपको रिविजन करने के लिए जरूरत है तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा फॉर्मूला शीट, ठीक है, फॉर्मूला शीट और यू कैन से समरी नोट्स, जिस भी तरीके से आप लोगों को वर्क करना है ये आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला शीट में टिपिकली कैसा रहता है, मतलब मैं क्विक आइडिया दे देता हूं यहां पर। फॉर्मूला शीट में आप सब टॉपिक वाइज जाओगे, जो भी हमने चैप्टर में सब टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, गो सब टॉपिक वाइज एंड हर एक में हाईलाइट द की फॉर्मूला, ठीक है। एंड उन फॉर्मूला के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। जैसे कोई फॉर्मूला आपके सामने आया तो उसमें जैसे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है तो उसका फॉर्मूला है टोटल मास बाय टोटल मोल्स, या फिर n1 m1 + n2 m2 / n1 + n2, तो उसमें जो सिंबल्स हैं, ठीक है, टर्म्स एंड सिंबल्स जो हैं उनके मीनिंग ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंड कुछ यूनिट्स हैं तो वो भी आप स्पेसिफाई करके रखना कि किन यूनिट्स में यूज़ करना चाहिए। एंड अगर कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज हो रहे हैं, जैसे PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन यूज हुआ, ठीक है, तो उसमें वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स ये भी आप स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। सो टिपिकली सब टॉपिक के अंदर कुछ की फॉर्मूलाज रहते हैं, वो आपको हाईलाइट करने होते हैं, ठीक है। एंड देन देयर आर सम की स्टेटमेंट्स, राइट, सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, सम की स्टेटमेंट्स। एंड यू कैन ऑल्सो समटाइम्स, अभी तो नहीं आया खैर आपके सामने बट आगे आएंगे, ठीक है, ग्राफ्स विल बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच आई एम टेलिंग यू टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला शीट फॉर एवरी अपकमिंग चैप्टर, ठीक है। तो ये प्राइमरीली आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। एंड रफली मतलब किसी भी चैप्टर का जैसे आप फॉर्मूला शीट बना रहे हो, ठीक है, नाउ मैंने से किसी भी चैप्टर, दिस इज समथिंग स्पेसिफिकली फॉर न्यूमेरिकल चैप्टर्स, ठीक है। आगे जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर रहेगा तो उसका फिर फॉर्मूला शीट नहीं बनता है, क्योंकि उसमें हार्डली कुछ फॉर्मूला होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके नोट्स हो गए, ठीक है, मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा और उसके 50 पेज के नोट्स हो गए, तो वो 50 पेज के नोट्स ही आपके समरी है, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू वर्क विद। उसी में आप हाईलाइटर से कुछ कुछ एक्सेप्शंस, कुछ कुछ यू नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो, बट ओवरऑल आपको वो नोट्स ही बार बार रिवाइज करने रहते हैं, ठीक है। बट जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, तो मोल कंसेप्ट चैप्टर में कैसा है, वी हैड सम थ्योरी एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो वो जो थ्योरी है उसको एक बार क्विकली सब टॉपिक वाइज, ठीक है, आप लिस्ट बना लो हमने किस ऑर्डर में गए हैं, एंड देन उसमें इफ देर आर सर्टन की स्टेटमेंट्स और की फॉर्मूलाज वो आप यहाँ पर नोट करके रखो, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग अगेन, देर इज नो स्टैंडर्ड, ठीक है, ऐसा नहीं है दैट यू नो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला शीट दैट यू शुड हैव फॉर द चैप्टर,
ठीक है, नाइदर इट इज गोइंग टू बी द केस दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ फॉर्मूला शीट फॉर यू एंड शेयर इट विद यू कि देखो ये लो, मतलब फिर तो आप लोग एफर्ट ही क्या कर रहे हो, मतलब मैं चम्मच भी ला देता हूँ, दूध भी पिला देता हूँ, लाइक एवरीथिंग इफ इट्स सपोज टू बी डन बाय मी देन देयर इज नो पर्पस ऑफ दिस बीइंग अ बैक एंड फोर्थ एक्सरसाइज. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक वेरी पर्सनल एक्सरसाइज दैट यू विल हैव टू डू एट एन इंडिविजुअल लेवल. ठीक है, सो ये फॉर्मूला शीट आपने बना ली. आप लोग वेट करो, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा. ठीक है, आई विल जूम आउट, आई विल लेट यू टेक अ स्क्रीनशॉट, डोंट वरी. ठीक है, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार होल्ड करके रखो अपने क्वेश्चंस को. सो ये फॉर्मूला शीट को लेकर हो गया, एंड देन 80% ऑफ द रिविजन एक्चुअली कम्स फ्रॉम द गुड क्वेश्चंस दैट यू केम अक्रॉस. ठीक है, सो दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ shortlisted questions. Okay, this becomes important. Now, notice karna shortlisted questions ke baare mein bhi I'll give some idea. What do I mean by shortlisted questions? So, when you practice questions, ठीक है, एक तो आपके class notes हो गए जहाँ से आप questions practice कर रहे हो. ठीक है, बुकलेट हो गया, दैट इज वन. देन देयर विल बी असाइनमेंट्स, ठीक है, जो आप लोगों के साथ में शेयर करे जाएंगे, असाइनमेंट, डीपीपी, जो भी आप बोलना चाहो उनको. ठीक है, अलग से कस्टमाइज बनाए हुए. एंड देन देयर कैन बी टेस्ट पेपर्स. सो अब आपके पास ऐसे पनीशा का एक्सेस आ गया है तो आपको ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे. ठीक है, तो उसमें जो भी टेस्ट पेपर्स यू आर कमिंग अक्रॉस, ठीक है, बाद में ऑफलाइन भी शुरू हो जाएगा तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टाइप के टेस्ट होते रहेंगे आपके. ठीक है, तो उनमें भी अच्छा कलेक्शन रहता है क्वेश्चन का. ठीक है, एंड देन देयर विल बी सम रेफरेंस बुक्स, ठीक है, जिनसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कोई भी ऐसा रेफरेंस बुक नहीं दिया है. ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को अभी असाइनमेंट्स एंड ऑल में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंफॉर्मेशन इंक्लूड करके दे दिया, क्योंकि टिपिकली बुक्स में कैसा रहता है, बुक्स में भी काफ़ी रेपिटेटिव कॉन्टेंट रहता है. ठीक है, मैनी आर टाइम्स यू फाइंड दैट सेम ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करा जा रहा है. ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑथर अपनी बुक जो बनाता है वो इस पर्सपेक्टिव से बनाता है ना, कि मेरी बुक सिर्फ और सिर्फ मेरी बुक की अगर स्टूडेंट पढ़ ले तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड वो मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मतलब अच्छा लेवल ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेगा. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट अब ज़्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए देन ऑथर्स दे ऑल्सो पुट अ लॉट ऑफ you know questions highlighting the same method or the same approach towards problem solving. But अब जैसे अपन लोग already almost महीने भर की मेहनत कर चुके हैं, ठीक है, and we don't want to do repetitive stuff. ठीक है, so when you are going to work with reference books, तो you will have to be choosy in terms of the kind of questions that you would want to attempt. You don't need to attempt each and every question. You can work with the only difficult sections. ठीक है, if you are comfortable with the chapter. अगर आप comfortable नहीं हो कि हाँ मुझे अभी तक confidence नहीं आया chapter में, तो हाँ definitely then you can work with the easier questions also. ठीक है, but you will have to save time with this. That's an important aspect. Don't just try to do each and every question. ठीक है, अच्छा, अब रेफरेंस बुक में से अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू यू यू नो इज दैट कौन सी रेफरेंस बुक से हम लोग सॉल्व करें. ठीक है, अब बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में. ठीक है, देर आर न्यूमरस ऑथर्स का बुक्स दैट आर प्रेजेंट. अभी के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड एनी बुक राइट नाउ. ठीक है, आपको थोड़ा बहुत अगर थ्योरी एंड ऑल पढ़ना भी है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लो. ठीक है, एनसीईआरटी इज गुड फॉर दैट थ्योरी पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है उसमें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गिव मी वन मोर चैप्टर. ठीक है, एक चैप्टर और करने दो
थोड़ा सा आप स्ट्रीमलाइन हो जाओ विद द मेथडोलॉजी एंड देन आपको खुद फिर बुक्स के साथ में वर्क करना आ जाएगा. देन आई विल रेकमेंड वन ऑफ द बुक्स दैट यू कैन प्रैक्टिस. ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि मतलब यू हैव टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर बुक ओनली. ठीक है, आप लोग और भी बुक्स रेफर कर सकते हो. ठीक है, टिपिकली व्हाट आई हैव कम अक्रॉस इज जैसे ये बुक है एक नरेंद्र अवस्थी का. ठीक है, आप लोगों के सीनियर्स भी सॉल्व करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं उसमें. थ्योरी कुछ भी खास नहीं है, थ्योरी नहीं है उसके अंदर ज़्यादा. ठीक है, इट इज़ समथिंग विच हैड अ गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो वो आप लोग ले सकते हो. ठीक है, सेंगेज का भी रिकमेंडेशन, ये दो बुक्स एक्चुअली पेस खुद रिकमेंड करता है. अगर आप लोगों ने आई थिंक ब्रोशर एंड ऑल चेकआउट करा होगा, ठीक है, तो उसमें ये बुक का नाम रहता है. नाउ दीज आर द लेटेस्ट वन, सेंगेज एंड नरेंद्र अवस्थी. उसके अलावा भी देर आर रियली रियली गुड बुक्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल यस आर सी मुखर्जी, दैट इज अ गुड बुक. पी बहादुर, ओ पी टंडन, ठीक है, दीज आर गुड बुक्स. रंजीत साहि भी काफी टाइम से लोग कर रहे हैं, बट रंजीत साहि में एक्चुअली मतलब थोड़ी मिस्टेक्स ज्यादा हैं एंड उसमें यू नो कई बार क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है. ठीक है, अचानक से. ठीक है, वाइली का मैंने बुक देखा नहीं है तो आई कांट रियली कमेंट. ठीक है, बट दीज आर ऐसे सी, आपको मटेरियल बहुत सारा मिलेगा, यू विल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ बुक्स, सो यू डोंट नीड टू एक्चुअली यू नो इंश्योर कि आप बुक्स होल्ड करने लग गए हो. इनफैक्ट आज की तारीख में तो व्हेन वी वर स्टडिंग तब स्टूडेंट्स की बुक्स को होल्ड करने की मेंटालिटी होती थी, अब एक्चुअली स्टूडेंट्स की मेंटालिटी बुक्स के साथ साथ ऑनलाइन कंटेंट को भी होल्ड करने की हो गई है. सो आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड स्टार्ट होल्डिंग यू नो डिजिटल कंटेंट ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज. मतलब कोई टॉपर का लेके आ जाएगा, तो कोई अन अकेडमी का लेके आ जाएगा, कहीं ना कहीं से मतलब उनको मिल जाता है. एंड यू नो दैट इज द थिंग, दैट कंटेंट हर जगह अवेलेबल है. बट प्लीज रिमेंबर, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज कि आप जो भी पिक कर रहे हो, ठीक है, यू स्टिक विद इट एंड इंश्योर दैट यू टेंड टू कंप्लीट टूवर्ड्स डू द कंप्लीशन ऑफ इट. ठीक है, बिकॉज कैसा होता है, आई विल टेल यू, आज से 6 महीने के बाद में समटाइम्स यू नो स्टूडेंट्स ने रायता फैला लिया होता है. ठीक है, बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, ऐसे अन अकेडमी के वीडियोज और इसके वीडियोज सबके कुछ ना कुछ इकट्ठे करके रख लिए होते हैं अपने पास में, एंड देन उनका कंप्लीशन किसी से भी नहीं हो रहा होता है. ठीक है, वो बस इधर से उधर स्वे करते रहते हैं बिटवीन द कंटेंट एंड दे डोंट रियली गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हमें क्या करना है. ठीक है, also then sometimes students tend to just you know sway with the recommendations of or even not even recommendations, kaha suni, matlab kisi dost se aapne you know pucha aur baat kara and un logon se aapko pata pada to aap logon ne koi ek book pakad ke shuru kar diya. theek hai, but pata pada aise 2-3 din attempt karne ke baad mein ki you know ye book mein to itna khas acha nahi lag raha, maza nahi aa raha, and then you drop it. तो इससे भी क्या हुआ, आपका टाइम ही वेस्ट हुआ. मतलब समटाइम्स यू गेट अ लर्निंग दैट अ बुक इज गुड फॉर यू और नॉट बाय वर्किंग ऑन इट ओनली. ठीक है, तो आप उसमें अननेसेसरीली टाइम स्पेंड करो एंड देन पता पड़े कि नहीं नहीं दिस इज नॉट समथिंग विच इज गुड फॉर माय लेवल, तो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो डोंट वेंचर इन टू अननेसेसरी कंटेंट. ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, इनफैक्ट आई विल टेक माय एग्जांपल इन पर्टिकुलर, तो मैंने मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की कोई बुक तक नहीं खरीदी थी. ठीक है, नो बुक आई हैड परचेज्ड. मेरी दीदी ने मतलब जरूर मुझे आरसी मुखर्जी दिया था, उस टाइम पर ये सब बुक्स नहीं चलती थी जो अभी नए नए नाम मैंने आपको बताए. ठीक है, पी बहादुर, ओपी टंडन एंड ऑल ये सब चलते थे, बट आरसी मुखर्जी वाज वन ऑफ द बुक्स दैट आई लाइक बोरोड फ्रॉम माय सिस्टर. एंड उसका भी मैंने स्टार्टिंग का चैप्टर सिर्फ मूल कंसेप्ट करा था, उसके आगे तो मैंने करा ही नहीं. ठीक है, आई यूज टू ओनली एंड ओनली रिलाई ऑन द कंटेंट विच वॉज गिवन टू मी माई बंसल क्लासेस. वो लोग मतलब सिमिलर तरीके से चैप्टर क्लास में पढ़ाते थे, उसका क्वेश्चन बैंक, उसका शीट होता था, देन साथ में डीपीपीज मिलती जाती थी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलते जाते थे हमें, तो हम लोग उनसे वर्कआउट करते रहते थे एंड देन जो टेस्ट होते थे, दिस बिकेम अ सफिशेंट इनफ मटीरियल फॉर मी. And what I used to do was I used to work on this and as I said
हाईलाइट दीज शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी अच्छे क्वेश्चंस होते थे मैं उनको शॉर्टलिस्ट करके रखता था एज पार्ट ऑफ माई रिविजन. दैट बिकेम अ मच बेटर वे ऑफ वर्किंग रादर देन यू नो जस्ट वेंचरिंग इन टू अ लॉट ऑफ बुक्स. उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बना रहता था, ठीक है, दैट मुझे चैप्टर समझ में आया है एंड चैप्टर के जो क्वेश्चंस, ठीक है, इजी से लेकर पूरे डिफिकल्ट क्वेश्चंस सबका रेंज कवर हो रहा था कोचिंग क्लास के कंटेंट में ही, एंड उन क्वेश्चंस को मैं अच्छे से कर पा रहा था. गिव मी द कॉन्फिडेंस बिफोर द एग्जाम्स, ठीक है, मुझे ऐसा हो गया था कि लेट्स से आज से 8 महीने बाद 10 महीने बाद कोई एग्जाम हो रहा है एंड उसमें मूल कंसेप्ट चैप्टर वापस से पूछा जा रहा है, तो फिर मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई बुक उठा के सॉल्व करने लग जाऊंगा या कुछ और जगह वेंचर करूंगा. आई हैड माई फॉर्मूला शीट, ठीक है, एंड आई हैड अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विद मी, ठीक है. टिपिकली किसी एक चैप्टर में अराउंड 50 to 70 क्वेश्चन का शॉर्ट लिस्ट बन जाता है, ठीक है. धीरे धीरे ये नंबर कम भी होता जाता है बिकॉज आप लोग जैसे जैसे रिवाइज करते जाते हो तो कुछ क्वेश्चन ऑब्वियस से हो जाते हैं कि हाँ ये पहले मुझे अच्छे लगे थे, पहले डिफिकल्ट लगे थे, बट धीरे धीरे वो नंबर कम होता जाता है. तो इट इज एन इवॉल्विंग यू नो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन that you work on and shortlist them as you go. ठीक है, आप कई questions को single star mark करते हो क्योंकि starting में हो सकता है कि आपको वो अच्छे लगे हों, difficult लगे हों, tricky लगे हों, ठीक है, but फिर आप जब दोबारा revision करने जाते हो तो लगता है कि अरे ये तो simple है, ठीक है, तो आप उनको छोड़ देते हो and कुछ questions still लगते हैं कि हाँ ये अच्छे questions थे तो उनको आप double star mark करते जाते हो. तो इस तरीके से आपका shortlist of questions भी refine होता जाता है. So this becomes quite important for you to revise, make a formula sheet and shortlist of questions. And in this shortlist of questions, okay, let me also highlight that what are the key things that you should keep. Okay, एक तो source हो गया आपका. Source के लिए मैंने आपको बताया कि ये सब different sources रहते हैं आपके. तो आपके सामने questions आया तो उसका source रहेगा, उसका सोल्यूशन डेफिनेटली आप बनाना, ठीक है, फेयर में अच्छे से अलग से उसका इंश्योर करना सोल्यूशन आपके पास में है. इनकेस नहीं है तो डिस्कस करो वो डाउट, इंश्योर कि उसका सोल्यूशन आपके पास रहे, ठीक है, एंड नॉट समथिंग कि मतलब सर ने बताया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और वो सोल्यूशन बन गया. योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ. जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक इट डज नॉट मीन कि आपको समझ में आया है. एंड देन one of the most important things which helps in improving your scores is the fact that you should be able to highlight chapter specific careless mistakes. ठीक है, this is something which is very very important which sometimes you know leads to a lot of लॉस ऑफ मार्क्स. तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा अभी भी जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इनफैक्ट मैं भी जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं काफी बार केयरलेस मिस्टेक्स कर देता हूँ. अब केयरलेस मिस्टेक्स को अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूँ तो देर आर टू टाइप्स ऑफ केयरलेस मिस्टेक्स, वन विच आर जनरल एंड वन विच आर और यू कैन सी द अदर विच आर चैप्टर स्पेसिफिक. ठीक है, जो जनरल केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं उनका कोई ऐसा यू नो श्योर शॉर्ट सोल्यूशन नहीं है. वॉट यू नीड टू डू इज हाईलाइट दोज केयरलेस मिस्टेक्स एंड स्टार्ट चेंजिंग योर अप्रोच. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो अगर आप कैलकुलेशंस करते हुए मिस्टेक कर देते हो, ठीक है, तो अवॉइड यू नो डूइंग मेंटल कैलकुलेशंस. जितना हो सकता है पेन चलाओ, स्टेप बाय स्टेप लिख ले के करो. तो आपको एक बार लिखा हुआ रहेगा सामने एंड लेट्स से अगर आंसर मैच नहीं करा तो आप यू नो ये इंश्योर करो कि मेरे सामने स्टेप्स जो लिखे उनमें आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मैं कहाँ पे मैंने गलती करी है. ठीक है, एंड नेवर मार्क द क्लोजेस्ट ऑप्शन कि बस आंसर आ नहीं रहा है और क्लोजेस्ट ऑप्शन मार्क कर दिया. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिस इज समथिंग ऑफ अ हैबिट. जब आप टेस्ट देते देते देखोगे, जब आप लोग टेस्ट लिखोगे दैट समटाइम्स यू सॉल्व अ क्वेश्चन एंड ऑप्शन करने के बाद में मतलब सॉल्व करने के बाद में चारों ऑप्शन से आंसर मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, एंड ऐसा भी नहीं है कि आसपास है. मान लो ऑप्शन है आपका 10, 20, 30, 40
एंड यू नो अपॉन सॉल्विंग आपका आंसर आ रहा है से 13, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब आपने ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेशन भी नहीं करा एंड आंसर 13 आ रहा है, तो आपने ले देकर क्या करा, 10 मार्क कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि यू नो आपने कुछ केयरलेस मिस्टेक करी हो एंड बिकॉज ऑफ दैट द आंसर डिड नॉट मैच द ऑप्शंस। सो ये जो एक हैबिट रहता है कि मैंने इतना मेहनत कर लिया क्वेश्चन में, टाइम स्पेंड कर दिया, अब तो आंसर मार्क करके ही जाऊंगा, वो चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द एस्पेक्ट ऑफ केयरलेस मिस्टेक, एज आई वाज हाइलाइटिंग देयर आर टू टाइप्स। वन आर जनरल, कैलकुलेशन रिलेटेड मिस्टेक कर लिया, या फिर यू नो क्वेश्चन पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा, ऐसा पूछा था हाउ मच एडिशनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाज रिक्वायर्ड, तो एडिशनल वर्ड स्किप कर गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट मार्क कर दिया। तो ये कैसी होती है, दीज आर जेनेरिक, दीज आर वेरी कैजुअल, मतलब जनरल केयरलेस मिस्टेक्स जो कि हर चैप्टर में हो ही जाती हैं, ठीक है। तो इनको वर्क करने के तरीके कैसे रहते हैं, यू नो एज आई सेड, स्टार्ट राइटिंग योर कैलकुलेशंस, हवा में मत करो। जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो क्वेश्चन में आप वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो या हाईलाइट कर दो, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, ट्रिक वर्ड आ रहा है सामने, जैसे मिक्सिंग करके वर्ड आया, तो मिक्सिंग वर्ड को अंडरलाइन कर दो क्वेश्चन में, सो दैट जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको याद रहे दैट यू नो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी डन। मिक्स करने के बाद में फाइनल सोल्यूशन देखना है। सो दीज आर कैजुअल यू नो प्रॉब्लम्स दैट यू कम अक्रॉस, कॉमन केयरलेस मिस्टेक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर चैप्टर स्पेसिफिक केयरलेस मिस्टेक्स ऑल्सो, ठीक है। चैप्टर स्पेसिफिक केयरलेस मिस्टेक्स, जैसे अभी मूल कंसेप्ट चैप्टर है, ठीक है, तो मूल कंसेप्ट चैप्टर में खास कुछ ऐसा चैप्टर स्पेसिफिक केयरलेस मिस्टेक्स नहीं आती है। जैसे वन ऑफ द कॉमन केयरलेस मिस्टेक्स विच आई कैन हाईलाइट इज यू नो दैट जब मिक्सिंग होता है सोल्यूशन में, ठीक है, तो इट इज अ चैप्टर स्पेसिफिक थिंग। जब अभी आ रही है आवाज, ठीक है, थोड़ा सा एक आध सेकेंड रुक जाओ, बीच में कई बार सिग्नल चला जाता है। हाँ, सो एज आई वाज सेइंग कि चैप्टर स्पेसिफिक केयरलेस मिस्टेक्स को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, एंड दीज आर टू बी हाईलाइटेड विद द रेलेवेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन वन लिया, उसका कुछ सोर्स था, आपने वो हाईलाइट करा कहाँ से सोर्स था, एंड देन उसमें जो भी आपका रिमार्क्स हैं, जो भी केयरलेस मिस्टेक आपने करी चैप्टर स्पेसिफिक, वो आप जरूर हाईलाइट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपको रिविजन्स में बहुत हेल्प मिलेगा, राइट। सो दिस इज समथिंग, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई वॉन्टेड टू हाईलाइट, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर कंप्लीटिंग अ चैप्टर, ठीक है, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द न्यूमेरिकल चैप्टर्स रिस्पेक्टिव द सब्जेक्ट दे आर, यू शुड हैव द फॉर्मूला शीट रेडी विद यू एंड शॉर्ट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो अभी जैसे मूल कंसेप्ट हो गया है, ठीक है, तो आपके पास टाइम है, राइट, आपके पास अभी यू कैन से ऑलमोस्ट इजीली पूरा हफ्ता है, यू नो बिफोर वी पिक मोमेंटम इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मोमेंटम पिक करें और उसमें भी आपको फिर मैं होमवर्क असाइनमेंट्स देने लग जाऊं, तो यूटिलाइज दैट टाइम इन इंश्योरिंग दैट दिस इज समथिंग दैट यू आर ऑल्सो इन पैरेलल वर्किंग ऑन, ठीक है। नाउ अब आपके कुछ कुछ डाउट्स थे तो मैं एक बार हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे नीरव आस्क्ड अबाउट ओके बुक्स का, अगेन एज आई सेड कि आप लोग काफी सारे क्वेश्चंस तो बुक्स को लेकर ही हैं कि सर प्रदीप के पब्लिकेशन का बुक कर लें क्या, अनअकैडमी से पढ़ लें क्या, एटकिंस का बुक सॉल्व कर लें क्या, स्टेट बोर्ड का बुक कौन सा करें, ठीक है। सो एज आई सेड दीज आर नेवर एंडिंग क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ यू नो कौन सी बुक आपको करनी है। मैंने आपको जैसे बताया, अभी के लिए आप क्लास नोट्स पर, जो बुकलेट एंड असाइनमेंट्स पर फोकस करो, ठीक है, आप इतना ही कर लोगे तो इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। एज एन एडिशनल थ्योरी रीड आई कैन ओनली रिकमेंड यू एनसीईआरटी, दैट इज अंडरस्टैंडेबली अ गुड बुक,
ठीक है, एटकिंस अभी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा. एटकिंस इज अगेन अ रियली गुड बुक इन फिजिकल केमिस्ट्री, बट इट इज नॉट समथिंग विच आई रेकमेंड राइट नाउ. डोंट, उसमें ऐसे मोल कंसेप्ट करके तो चैप्टर भी नहीं होता है, ठीक है. सो दे डोंट टेक इनटू अकाउंट दिस एज अ चैप्टर एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट इट. बुक्स का आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है. देन एक मिनट, लेट मी जस्ट गो ऊपर, और भी क्वेश्चन हैं. सो आरोही का क्वेश्चन है, ये जो शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चंस हैं, शुड वी जस्ट मार्क देम इन क्लास नोट्स, ठीक है. सो आप, ठीक है आरोही, ध्यान से सुनना. जैसे मैंने आपको बताया, शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चंस जो हैं उनके मल्टीपल यू नो सोर्सेज रहेंगे, ठीक है. तो इट इज बेटर कि मतलब आप जस्ट एक लिस्ट बना लो कहीं पर, दैट यू नो दीज वर द क्वेश्चंस That were good question. जैसे booklet है, ठीक है. तो booklet से अब ऐसा नहीं है ना कि booklet के questions आप अलग से उठाकर कहीं पर copy करो, वैसा मत करो. booklet के questions अब एक जगह है तो उसी में आप single star, double star mark कर लो, ठीक है. उस chapter के जो assignments होंगे, ठीक है, वो भी मतलब chapter specific ही मिल रहे हैं आपको, तो आप उन्हीं assignments में भी star, single star, double star mark करके रख सकते हो, ठीक है. Don't need to copy them अलग से, ठीक है. अब जैसे टेस्ट पेपर्स हो जाएंगे, ठीक है. अब जैसे आज आपको चैप्टर पढ़ाया है, बट आज से कुछ से 6-8 महीने के बाद में कोई टेस्ट कराया और उसमें मोल कंसेप्ट का कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, समथिंग विच यू आर नॉट एबल टू डू और हैड अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, यूनिक अप्रोच रिगार्डिंग इट, तो अब उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप जरूर कॉपी करके एक A4 शीट में अपने बुकलेट के साथ में रख सकते हो, क्योंकि दैट बिकम्स लाइक अ यू नो सोर्स विच इज नॉट रेगुलर वन, ठीक है. तो उसमें आप उनको अलग से निकाल के रख सकते हो, ठीक है. ऑल राइट, सो देन अक्षय का क्वेश्चन है, ओके आदित्य का क्वेश्चन है, सर वी ओनली सॉल्व बुकलेट कंप्लीटली, इज इट गुड. हाँ, सो अक्षय, बुकलेट के अलावा जो असाइनमेंट्स एंड ऑल मैं आपको दे रहा हूँ वो भी आप डेफिनेटली सॉल्व करो, ठीक है. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कोई रेफरेंस बुक भी लो अलग से, ठीक है. जितना मैं आपको असाइनमेंट्स और बुकलेट्स दे रहा हूँ उनसे आपका कंप्लीशन सफिशिएंटली हो जाएगा, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा. इनफैक्ट क्योंकि मैं खुद ही बुक से क्यूरेट करके ही ये बुकलेट बनाई गई है ना, सबने जो बुकलेट बनाई है वो बुक्स के अच्छे क्वेश्चन से क्यूरेट करके बनाई है, एंड जो असाइनमेंट्स भेजे जा रहे हैं दे आर हेल्पिंग यू ओवरकम एनी अदर गैप्स दैट आर देयर. सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट. If you are not following any other book, it's completely fine. ठीक है, अक्षय का doubt है, I have never made a formula sheet. Will my class notes suffice? चलेगा अक्षय, मतलब आप अगर formula sheet नहीं बनाना चाहते हो तो it's okay. It's just that the formula sheets help you to do faster revision. ठीक है, you want to take your time with your own revision, that's your call. Sir, about the then Shivansh का doubt है about the formula sheet. Can you give us a hint of some formulas that need to be written down? और सम फॉर्मूलाज टू बी अप्लाइड बाय यूजिंग कॉमन सेंस. ओके, तो शिवांश, मेरा इसमें आपको रिकमेंडेशन रहेगा दैट ट्राई इट योरसेल्फ. ठीक है, ऐसा नहीं है दैट आप जब फर्स्ट फॉर्मूला शीट बनाओगे तो दैट विल बी लाइक द मोस्ट परफेक्ट वर्जन ऑफ अ फॉर्मूला शीट दैट देयर कैन एवर बी. ठीक है, ये आपके लिए ही एक लर्निंग प्रोसेस है. ठीक है, एंड एज आई सेड, इट्स अ वेरी पर्सनल इंडिविजुअल स्पेसिफिक थिंग. तो व्हाट आई कैन हेल्प यू विद दिस दैट आप लेट्स से कुछ फॉर्मूला शीट बना लेते हो, ठीक है, 2-3 पेज में आपने पूरे मोल कंसेप्ट चैप्टर को कंसाइसली बना दिया, फॉर्मूला शीट बना दिया, तो व्हाट यू कैन डू इज उसका एक PDF बनाकर मेरे साथ शेयर कर लो, ठीक है, एंड देन आई कैन कॉमेंट अपॉन इट कि हाँ मतलब इज इट गुड और बैड. ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच आई कैन हेल्प विद, बट अदरवाइज आई विल नॉट मेक अ फॉर्मूला शीट फॉर यू. ठीक है, ओके. देन वेदांश का इररिलेवेंट क्वेश्चन है, सार्थक का इररिलेवेंट क्वेश्चन है, ऋषि का इररिलेवेंट क्वेश्चन है, विनय आप कर सकते हो, आई डोंट माइंड. ठीक है, ओके आदित्य, नेक्स्ट चैप्टर का बुकलेट आप लोगों के पास है ऑलरेडी ना, जो मोल कंसेप्ट का बुकलेट है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर भी है, उसमें 3 चैप्टर्स हैं. सो
that is something there. Okay. And then Shivans, which chapter will use graphs? Many chapters. मतलब ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जो मैंने प्रिपेयर करके रखी है, बट आगे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे. ओके. ऑल राइट. देन आयुष का डाउट है दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्राइजेस द स्टडी वेयर डू इट एट होम. हाँ ऑफ कोर्स. मतलब जोया का क्वेश्चन अगेन. जोया, एज आई सेड राइट नाउ बुकलेट एंड असाइनमेंट विच आई एम शेयरिंग इट विद यू विल सफाइस. ठीक है, डोंट नीड टू रन टूवर्ड्स एनी अदर बुक. ठीक है, अगर स्टिल यू वॉन्ट टू देन इट इज अप टू योर कॉल. एंड आगे इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर हो जान दो, देन आई विल आस्क यू टू वर्क ऑन सर्टन बुक्स. ठीक है, सो अभी के लिए डोंट नीड टू वरी. ऑल राइट नाउ. ठीक है, अभी ऑफ टॉपिक क्वेश्चंस अभी मैं नहीं ले रहा हूँ. ठीक है, दीज वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग मोल कंसेप्ट एंड एज एन एंड टू द चैप्टर. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो वैसे तो आप लोगों ने ये चैप्टर यू नो एट सम लेवल अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ होगा. ठीक है, एंड व्हाट यू वुड हैव स्टडीड एंड वर्कड विद आर द बेसिक्स. ठीक है, हम लोग अब उन बेसिक्स की डिटेल में जाएंगे एज वेल एज एक्स्ट्रा पोर्शन भी कवर करेंगे. ठीक है, व्हाट आई मीन बाय दैट इज दैट यू नो इन योर जूनियर क्लासेस. ठीक है, स्पेशली इन ऑलमोस्ट एवरी बोर्ड, बीएड, सीबीएसई, बीएड, स्टेट बोर्ड, यू नो सब में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कराते हैं. ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का यू कैन से दैट एक बेसिक पार्ट जरूर कवर होता है. ठीक है, बेसिक पार्ट इंक्लूड्स और यू नो टॉक्स अबाउट द डाल्टन्स थ्योरी, यू नो ऑफ एटम्स, देन यू नो एक्सपेरिमेंट्स दैट वर डन, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट. ठीक है, देन देयर वर वेरियस मॉडल्स ऑफ एटम्स, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर्स का मॉडल. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच गेट्स टेकन केयर ऑफ इन योर जूनियर क्लासेस. ठीक है, हाँ बहुत सारे सब टॉपिक्स रहते हैं उसमें. नाउ व्हाट यू विल नोटिस इज अब जब आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अब आप इलेवेंथ क्लास में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब आपको काफी सारा एडवांस्ड इंफॉर्मेशन भी कैप्चर करना रहेगा when it comes to atomic structure. ठीक है, and one of the most important jumps that you are going to see is actually the transition from Bohr model to the quantum mechanical model of atom. ठीक है, quantum mechanical model या फिर wave mechanical model बोलते हैं हम इसको. ठीक है, Bohr model was not the you know final model towards explaining the structure of atom. उसके बाद में और discoveries हुई which led to a better or a more evolved model. इसके ऊपर हमारा खास focus रहेगा in this chapter. ठीक है, however this is something which we are going to start after some time. ठीक है, ये जो advanced वाला part है वो हम लोग काफी lectures के बाद में start करेंगे. अभी ये जो basic वाला part है हम इसी की details में जाएंगे. ठीक है, and details something that you will have never gone before into. ठीक है, we will go into the numericals, we will go into the detailed calculations, you know experiments, different photoelectric effect experiment. ये आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा डिटेल में. atomic spectrum experiment वो आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, ये सब हम लोग discuss करेंगे in detail in our syllabus of 11th class while we are preparing for GE. ठीक है, so the methodology in which we are going to proceed is going to be, as I said, chronological. ठीक है, तो हम लोग starting
बेसिक से ही देखेंगे, ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द यू नो अर्लीस्ट ऑफ द थियोरीज, तो दैट बिकम्स अ लॉट ऑफ रेपिटेशन फॉर यू गाइज, बिकॉज वो आप लोगों ने अगेन अपने जूनियर क्लासेस में काफी यू नो घोट घोट के पिया है. डाल्टन्स के थ्योरी एंड डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स, एंड इनफैक्ट उसके पहले का भी, मतलब जो फिलोसफर्स रहते थे एंशियंट इंडियन एज वेल एज ग्रीक फिलोसफर्स, एंड उनका पर्सपेक्टिव, लाइक ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ इट इन डिटेल राइट नाउ, ठीक है. आई जस्ट होप कि आप लोगों को वो एक बेसिक आइडिया है अबाउट द डाल्टन्स थ्योरी एंड उसके पोस्टुलेट्स क्या क्या होते थे, एंड हाउ दोज पोस्टुलेट्स आर नॉट वैलिड इन द करंट सिनेरियो. So what I will do is I will start with the earlier experiments, okay, that resulted in the discovery of subatomic particles, okay. So Dalton ne to bol diya tha ki atom is the smallest unit, but after you know some 50 odd years it kind of got quashed with the discovery of subatomic particles. So let's talk about the experiments which discovered subatomic particles. Okay, when I say subatomic particles, so usme bhi also let me kind of restrict our syllabus ka boundary. ठीक है, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आउट ऑफ इंटरेस्ट अ लॉट ऑफ यू हैव यू नो अ कीन सेंस टुवर्ड्स यू नो हायर फिजिक्स, हायर लेवल ऑफ फिजिक्स, ठीक है. बट हमारा सिलेबस जहाँ तक है, मैं उसके बारे में आपको एक बार क्विकली एक आइडिया दे देता हूँ. एटम के अंदर होंगे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. This is the level of detail that we are going to go into. Okay. Now, actually, when we go into further details, we find that protons and neutrons are also made up of, you know, even more fundamental particles, or also called as elementary particles. Okay. Electron khud hi elementary particle hai. Electron ka abhi tak to aisa kuch discovery hua nahi hai that electron itself is made up of something. बट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में वी अंडरस्टैंड दैट दे आर मेड अप ऑफ इवन मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स. नाउ दीज आर समथिंग विच आर ओ ओ एस. व्हाट डज ओ ओ एस स्टैंड फॉर? आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है. सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड यू नो वुड यू वुड इन फैक्ट आई वुड बी ऑल्सो keen to learn and understand more about them, I would not want to get into the details of them in the class. ठीक है, so आपको भी अगर कुछ relevant doubts है regarding all these things, so we will not be able to use the class का time to discuss these elementary particles. ठीक है, इनको ऐसे quarks, leptons and you know और भी बहुत सारे you know types होते हैं, इनके subtypes होते हैं, ये हम लोग discuss नहीं करेंगे. ठीक है, we will restrict our understanding to electrons, protons and neutrons. Okay, and in addition to this, okay, there is one more fundamental particle, okay, that we are actually going to go into the details of, one more elementary particle which is called as photon. Okay, kya hota hai wo, ye main definitely kafi detail mein aap logo ke sath discuss karunga, ye hota kya hai, iski properties kya hoti hai, and how do we deal with this, numericals bhi solve karenge is par, but abhi ke liye we will not venture into these other quarks and leptons. Theek hai, so this was something to you know kind of clear the boundary that how much we are going to go into the detail of things. All right, now let me start with the first particle, first subatomic particle, that is electron. ठीक है, there is electron, proton and neutron. So इसमें electron और उसकी story के ऊपर हम लोग focus करते हैं.
So the thing was that electron ka discovery itself was not intended for. Okay, it actually happened, you know, as an accidental discovery. So during this time period, 1850s ke around, okay, actually 1800 something mein, 1801, 1802 ke around, it was Dalton that proposed the theory of atoms, that, you know, matter is made up of something very small, which is indivisible. And uske baad mein nothing much happened. Okay, people were not much interested into, you know, getting into the details of ki bhai atom mein hai kya. ठीक है एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है चलने दो आगे बढ़ो उस टाइम पर एक्चुअली देयर वर मेनी अदर इंटरेस्टिंग एरियाज ऑफ रिसर्च एंड यू नो इनोवेशन दैट वर गोइंग ऑन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ रिसर्च एट दैट पॉइंट इन टाइम अराउंड 1850s में वाज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दैट वाज समथिंग व्हिच यू नो द एंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी वाज प्रीटी कीन ऑन एंड डिस्कवरिंग So what happened was that usi time par around 1950s mein hi, you know, a bunch of scientists, they were doing actually an experiment of electricity. Okay, they were trying to understand that, you know, how good or how well does conduction happen through gases. Okay, and gases particularly at low pressures. Okay, so unka experimental setup kaisa tha? एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ दे टुक अ ऐसे सील्ड ग्लास ट्यूब ठीक है एंड इस ग्लास ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट था ठीक है बट उस गैस को अब उन्होंने यू नो रेरिफाई कर दिया व्हाट डू आई मीन बाय रेरिफाई सो दे पम्प्ड अ लॉट ऑफ गैस आउट ऑफ द सिस्टम ठीक है दे वॉन्टेड टू स्टडी the conduction of electricity through gases at low pressure okay that was the aim of the experiment conduction of electricity through gases at very low pressure okay so in this setup ab pressure kaise create karenge low matlab unhone vacuum out kar diya अरे वैक्यूम का स्पेलिंग में डबल सी आता है डबल यू आता है बाबा फूल जाता हूँ कोई बताएगा मुझे आई डोंट वांट टू डबल यू आता है हाँ राइट ठीक है कुछ कुछ लोग डबल सी भी बोल रहे हैं गुड टू नो कि मेरे जैसे इंग्लिश के मारे कुछ लोग और भी हैं हाँ डबल यू आता है दिस साउंड्स राइट So they create a vacuum and suck out the air, and you know it creates a low pressure. Okay, inside the glass tube. Okay, अच्छा अब glass tube के अंदर का setup भी notice करना. Glass tube के अंदर you have on both the sides there are electrodes that are present. Okay, metal electrodes present है. And these metal electrodes are connected to a high source of potential difference. Okay, so they wanted to conduct a study conduction of electricity through gases at low pressure under high potential difference. Okay, so potential difference that they created was quite large. मतलब around 10,000 volts के आसपास मान लो आप. सो एक नॉर्मल पेंसिल सेल अपना 1.5 वोल्ट होता है ठीक है घर के अंदर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो 220 से 240 वोल्ट्स के आसपास के पोटेंशियल डिफरेंस पे होती है ठीक है सो दिस इज अ क्वाइट अ लार्ज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट दे सप्लाइड ठीक है ये पॉजिटिव टर्मिनल था ये नेगेटिव टर्मिनल था ऑफ द बैटरीज सो इस दो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड उसको हम एनोड बोल देते हैं एंड जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड उसको हम कैथोड बोल देते हैं ठीक है ये एक नोमेनक्लेचर रहता है नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट यू नो ये सेटअप स्विच ऑन करा गया ठीक है
एंड स्विच ऑन करने के बाद में समथिंग विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड हैपेंड, ठीक है, समथिंग यू हैड यू नो काइंड ऑफ नॉट एक्सपेक्टेड दैट हैपेंड वॉज लेट मी जस्ट हाँ अभी ठीक है ना, नॉनसेंस क्रिएट करते हो यार तुम लोग. नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट दीज साइंटिस्ट दे ऑब्जर्व्ड अ स्ट्रेंज ग्लो, ठीक है, ऑन द ग्लास वॉल्स बिहाइंड एनोड. ठीक है, देयर वाज अ स्ट्रेंज ग्लो, दे वर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ ग्लो. व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग वाज कि हाँ मतलब कुछ स्पार्क सा होगा, यू नो जैसे लाइटनिंग होता है, लाइक यू नो हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा हुआ है तो मे बी यू नो कंडक्शन विल हैपन, बट नॉट समथिंग लाइक दिस, अ ग्लो ऑन द ग्लास वॉल बिहाइंड एनोड, दिस वॉज नॉट समथिंग विच वॉज एक्सपेक्टेड. सो वॉट दे डिड वॉज दैट दे ट्राइड टू मॉडिफाई दिस you know set up to understand and study this glow. Okay, now क्या क्या उन्होंने modifications करे वो मैं एक बार आप लोगों के साथ discuss करता हूँ, ध्यान से observe करना. So what they did was in the first place that you know they placed an object right in the middle of this setup, and what happened was that is object ka shadow was being created on the anode side. Theek hai, aapne thick object rakha aur us object ka shadow left hand side pe create hua, to usse ek conclusion ye samajh mein aaya that you know this glow is something being caused by rays that are traveling from left to right. ठीक है, कोई rays हैं, ठीक है, अभी भी rays word use हो रहा था, ठीक है, electron और ऐसा कोई word अभी तक coin नहीं हुआ था, ठीक है, rays आ रही हैं and वो rays जब anode side पे आ रही हैं, glass wall पे strike कर रही हैं तो उससे glow आ रहा है, ठीक है, जो rays हैं उनका खुद का कोई color नहीं है. ठीक है, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट, इट इज ओनली व्हेन दीज रेज आर स्ट्राइकिंग द यू नो ग्लास वॉल दे आर क्रिएटिंग दिस ग्लो. तो ये डायरेक्शन समझ में आया रेज का. ओके, देन अब इन रेज को फर्दर स्टडी करने के लिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ थिक शीट, ठीक है, यहां पर थिक शीट की जगह you know what the scientists decided that let's put a very very thin sheet, okay, extremely thin sheet, and despite placing that you know sheet that they found out that okay, so there is a question coming from Aditya, sir, was there glow not created on the obstacle? Well, there was a glow that was created on the obstacle as well, and उसका एक अलग reason रहता है, वो मैं आपको बताऊंगा. But what the conclusion, what the important conclusion was that जो shadow बन रहा था, ठीक है, वो left hand side पे बना, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर anode की side पर shadow बना, तो उससे जो चीज ascertain हो पाई was that you know direction of travel or direction of these rays was left was towards the anode, from cathode towards the anode. ठीक है, now instead of placing a thick object they placed a very thin sheet, ठीक है, extremely thin. Now despite the thin sheet you know the glow was still observed on the anode side. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, that ये जो rays हैं, these are not something which are similar to the light rays.
ठीक है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में द रेज दैट वी एनकाउंटर वी कॉल्ड देम लाइट उस जमाने में। तो ये जो रेज है ये लाइट रेज से डिफरेंट है, ठीक है, बिकॉज लाइट रेज दे वरंट एबल टू पेनिट्रेट थ्रू द थिन शीट्स ऑफ मेटल्स, ठीक है, दे वर स्टिल एबल टू पास थ्रू देम। तो ये जो रेज है दीज वर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आर रेगुलर लाइट रेज। नाउ ये एक सेकेंड कंक्लूजन आया दैट यू नो रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं एंड दीज रेज आर समथिंग विच आर डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर लाइट रेज दैट वी कम अक्रॉस। ओके, देन दे डिसाइडेड टू फर्दर मॉडिफाई द एक्सपेरिमेंट एंड दिस टाइम दे हैड अ सेटअप ऑफ अ वेरी लाइट व्हील इनसाइड, ठीक है, एक ऐसा एक हिंज्ड फ्री टू रोटेट व्हील प्लेस कर दिया अंदर, लाइट सा है, ठीक है, नथिंग विच इज क्वाइट हैवी एंड फ्री टू मूव है, हिंज्ड है ये, एंड देन अगेन द सेटअप वॉज मेड टू रन एंड वॉट वॉज फाउंड वॉज दैट दीज रेज दे एक्चुअली मेड दिस पैडल व्हील, ठीक है, मेड दिस पैडल व्हील रोटेट, ठीक है, इट अंडरवेंट मैकेनिकल मोशन। सो वॉट दे अंडरस्टूड वॉज दैट दीज रेज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सर्टन पार्टिकल्स, दैट दीज पार्टिकल्स वेन दे आर स्ट्राइकिंग दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, दे आर ट्रांसफरिंग मोमेंटम एंड बिकॉज ऑफ दैट there is this mechanical motion showed by this paddle wheel, theek hai, and because of this motion we can conclude that these rays are actually made up of certain particles, theek hai, so this became like a third conclusion ki okay that you know rays aa rahi hain left to right, matlab as in cathode se anode ki taraf aa rahi hain, theek hai, and they can pass through thin sheets of metal, so they are not similar to the you know regular light rays, and then they are also something which are able to create a mechanical effect when striking the this padded wheel, okay, so as a result they are able to also conclude ki they are made up of these rays, they are made up of certain particles, ठीक है, ओके, पलाश का एक डाउट है, हाउ कम द शैडोज फॉर्म्ड ऑन द एनोड साइड बिकॉज द ग्लो इटसेल्फ इज ऑन द एनोड। अरे बाबा, तो शैडो मतलब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा ना, मतलब आप एक टॉर्च से लाइट मारो दीवार पर एंड बीच में एक ऑब्जेक्ट रखो तो उस ऑब्जेक्ट का शैडो वॉल पे ही तो बनेगा, और कहाँ बनेगा, ठीक है। हाँ हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा सोहम, अंडरस्टैंड, मैं अभी आपको एक पहले बेसिक्स बिल्ड कर रहा हूँ ऑफ द जर्नी ऑफ हाउ द यू नो थिंग्स गॉट डिस्कवर्ड, तो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपको फिर मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, एंड उत्सव इसमें गैस मल्टीपल टाइप्स यूज कर सकते हो, आप इनर्ट गैस भी यूज कर सकते हो, आप नाइट्रोजन गैस भी यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस भी यूज कर सकते हो, दैट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज पर्टिकुलर, ठीक है। जब थिन शीट प्लेस कर रहे हैं ना, एक्सट्रीमली थिन शीट प्लेस कर रहे हैं, तो उसका शेडो नहीं बन रहा है, ठीक है, और यू कैन से दैट ग्लो फिर भी पीछे दिख रहा है, तो मतलब वो थिन शीट के थ्रू ये रेज पास कर पा रहे हैं, ठीक है। थिक शीट का ओपेक ऑब्जेक्ट, उसका शेडो जरूर क्लियरली बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी कम बैक टू द पॉइंट्स। नाउ ये तीसरा मॉडिफिकेशन था, ठीक है, पैडल व्हील लगा दिया तो ये पता पड़ा कि यहाँ पे पार्टिकल्स बन रहे हैं, ओके, देन व्हाट दे डिड वाज दे अंडरस्टूड कि अच्छा एक पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल को इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, ठीक है,
And then in order to investigate that particle, that, you know, these particles, they are of what kind and what nature, what they did was that they applied an external electric field or magnetic field. ठीक है, एक्सटर्नली जैसे यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है, बाहर से लेट्स से यहाँ पर उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव पोलैरिटी था और ये नेगेटिव पोलैरिटी था, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रेज or the particles, and what they found out was that the rays actually deflected. Okay, these rays, they deflected, and their direction of deflection suggested, you know, that these rays or these particles are made up of negatively charged सब्सटेंस. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हुआ, एंड दीज पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो व्हाट इट हाईलाइटेड वाज दैट दीज पार्टिकल्स, दीज रेज, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, एंड अभी तक इलेक्ट्रॉन वर्ड कॉइन नहीं किया गया था. ठीक है, अभी तक इट वाज ओनली अंडरस्टूड एंड सेड दैट यू नो बाय द वर्च्यू ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, बाय द वर्च्यू ऑफ दिस सेटअप, वी हैव डिस्कवर्ड सम यूनिक काइंड ऑफ पार्टिकल्स. उनका नाम रखा गया कैथोड रे पार्टिकल्स. ठीक है, या फिर रेज बोल दिया, कैथोड रेज. वी हैव डिस्कवर्ड समथिंग कॉल्ड एज कैथोड रेज, यू नो, विच have the following properties. The properties are that they are traveling from the cathode towards anode. They are able to penetrate through, you know, thin sheets of metal. They are made up of particles, as they are able to, you know, impart momentum and produce mechanical effect upon collision. And they are also made up of negative charge, because external electric field se unka direction of deflection jo hai, वो यही शो कर रहा है कि दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड. सो ऑल दीज वर द मॉडिफिकेशंस टू द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इसको हम लोग सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. एंड इन मॉडिफिकेशंस से हम लोगों ने ये कंक्लूजन्स निकाले रिगार्डिंग द कैथोड रे पार्टिकल्स. ठीक है, अभी तक इलेक्ट्रॉन वर्ड कॉइन नहीं किया गया था. ठीक है, नाउ अब इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए व्हाट आई वुड रेकमेंड इज इफ यू गाइस आर एबल टू सी दीज वीडियोस. ठीक है, आई हैव कोलेटेड दीज यूट्यूब वीडियोस ओनली पब्लिकली अवेलेबल, एंड दीज आर नॉट एनिमेशंस ऑफ सॉर्ट्स. ठीक है, दीज आर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स. सो लेट अस जस्ट टेक अ क्विक ग्लांस. Now, I have not done this before, as in I have not shared these videos over, you know, the screen sharing method. So, let me try and see agar aap logon ko dikhta hai to, mujhe batana. I am going to play one of the videos and then we are going to discuss about it. Theek hai? Okay. Can you guys see the video? Matlab, is it something which is streaming well? ओके, ग्रेट. ठीक है, थोड़ा सा लैग होगा. ठीक है, आई अग्री, थोड़ा सा लैग होगा, एंड साउंड का कोई जरूरत नहीं है. जस्ट लुक एट द वीडियो एंड लेट्स डिस्कस इट. ठीक है, इनफैक्ट इफ रिक्वायर्ड लेट मी सेंड द लिंक ऑन the chat as well. Okay, let me see if I can copy copy the link, and main sabko chat mein bhi ek bar ye link bhej deta hu. So if you want to view it alag se,
Just one second. Okay. Are you? Wait. Let me. Give me 1 second. Kahan gaya chat? Ha. ठीक है. So I have shared the link with everyone on the chat. ठीक है. एंड हाँ, मतलब मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ. ठीक है. एक बार आई वुड रेकमेंड कि आप लोग लिंक को कॉपी पेस्ट कर लो. ठीक है. हो सकता है वो क्लिक करने लायक नहीं हो, उसको कॉपी पेस्ट करो एंड ओपन करके ठीक है व्यू करो. फॉर दोज हु फाउंड की लैग आ रहा है. नहीं नहीं आप कॉपी नहीं कर सकते क्या चैट से? ओ माय बैड. ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट वरी. देन लेट मी. हाँ, कुछ लोगों का तो ओपन हो गया है, बट ठीक है. ओके, लेट मी देन आस्क यू टू डू अ सर्च ऑन यूट्यूब. ठीक है. अगर लिंक नहीं खुल रहा है ना, तो आप लोग यूट्यूब के ऐप पर जाओ. ठीक है. एंड सर्च फॉर द नेम. लेट मी फाइंड आउट द नेम ऑफ द वीडियो. ठीक है, गिव मी 1 second. हाँ, आयान ने एक्चुअली लिंक भी भेज दिया है. ठीक है, मैं वो बाकी ग्रुप्स पे भी फॉरवर्ड कर देता हूँ. जो डाउट का ग्रुप है ना, मैं उस पे डाल रहा हूँ, ऑफिशियल ग्रुप्स पे नहीं डाल रहा हूँ. ठीक है. सो दिस इज NAPJC 4 एंड दादर बैच 2. ठीक है, तो NAPJC 4 पे भी मैंने डाल दिया है. हाँ. All right, so I would recommend एक बार आप लोग देखो एंड फिर उसके बाद वापस से लेट्स हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा. आई विल एक्सप्लेन. बस एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग सब देख लो. ठीक है. हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा. ओके, वेट, जस्ट गिव मी थोड़ा सा टाइम. ग्रुप पे भेज दिया है श्रीतम, व्हाट्सएप ग्रुप पर. ठीक है, लिंक भेजा है. ठीक है, अगर नहीं भी भेजा है तो डोंट वरी, मैं यहां पर वापस से ये प्ले करूंगा फॉर एवरीवन्स बेनिफिट. एंड वुड रिक्वेस्ट नाउ स्टूडेंट्स, अगर उन लोगों ने वीडियो देख लिया है ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आ जाओ एंड लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. ठीक है, कम बैक टू द जूम स्क्रीन. ऑलराइट, नाउ स्टार्टिंग में दिस इज द वैक्यूम पंप.
जो ये दिखाया जा रहा है, मैंने यहाँ पे पॉज करा है वीडियो, ठीक है, ये वैक्यूम पंप है, इट इज गोइंग टू यू नो टेक द गैस आउट ऑफ द ट्यूब, ठीक है, दिस इज द ट्यूब, दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप, ठीक है, यहाँ से ये गैस सक आउट करा जा रहा है एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा, वो इस ट्यूब के पीछे रखे हुए जनरेटर से, ठीक है, तो ये इसके पीछे रखा हुआ है जनरेटर है, दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सो दैट इज नॉट समथिंग दैट वी नीड टू वरी अबाउट, वी नीड टू फोकस ऑन द ट्यूब ओनली, ठीक है. नाउ ओके, अब ये जैसे स्टार्ट करा और स्पार्क जनरेट हुआ, तो ये स्पार्क ट्यूब के अंदर नहीं था, ये स्पार्क एक्चुअली उसके पीछे जो जनरेटर है उसमें था, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटर. अब आप ट्यूब में देखोगे, ठीक है, सो दिस इज द ट्यूब का वीडियो फुटेज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. नाउ इन दिस एज यू कैन सी स्टार्टिंग में देयर इज अ पिंक ग्लो, ठीक है, व्हाई इज दैट पिंक ग्लो, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन सम टाइम, दैट पिंक ग्लो इज एक्चुअली नॉट ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, दैट पिंक ग्लो इज बिकॉज ऑफ एनोड रेज. अब ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स को एनोड रेज के बारे में पता होगा, ठीक है, बट राइट नाउ गिव मी अ मोमेंट टाइम, मैं इसके बाद में आपको एनोड रेज के बारे में बताऊंगा, ठीक है. अभी ये स्टार्टिंग में जो ग्लो है ये एनोड रेज की वजह से है, जो पिंक ग्लो है, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, अब जनरेटर से वो गैस निकाला जा रहा है, ठीक है, जनरेटर से दैट गैस इज बीइंग पम्प्ड आउट, एज यू कैन सी ये यहाँ से गैस को पंप आउट करा जा रहा है, तो वो पिंक ग्लो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, ठीक है, वो जो एनोड रे वाला पार्ट है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, ठीक है. अब यहां पर नोटिस करना, नाउ देयर इज अ ग्रीन ग्लो, ठीक है, ओके, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, हाँ, सो देयर इज दिस ग्रीन ग्लो, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर कैथोड है एंड राइट हैंड साइड पर एनोड है, ठीक है, तो यू कैन सी दैट द ग्रीन ग्लो इज काइंड ऑफ थ्रू आउट बट मोर विजिबल ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज बिहाइंड द एनोड, ठीक है, तो राइट हैंड साइड इज एनोड, लेफ्ट हैंड साइड वॉज कैथोड, ठीक है, तो ये आपको ग्रीन ग्लो दिख रहा है अभी. नाउ दिस इज द एक्चुअल कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. अब इसमें हुआ क्या, ठीक है, व्हाट हैपेंड, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, सो I will explain the color and everything that happened, but just wanted to make you see first of all that you know this is the basic setup. ठीक है, this is the basic setup that is there, and it is not the rays which are green. It is when these rays they strike this glass wall, then green color is emitted. ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने वापस से अंदर गैस डाल दिया, तो वापस से वो पिंक ग्लो आ गया. ठीक है, वापस से पिंक ग्लो क्यों आया, क्योंकि गैस वापस से अंदर रिलीज हो गया. ठीक है, जो वैक्यूम से उन्होंने सक आउट किया था वो वापस अंदर चला गया. ओके, सो दिस वाज द बेसिक पार्ट. ठीक है, दिस वाज द बेसिक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इसके बारे में मैं और डिटेल में आप लोगों के साथ बात करूंगा, डिस्कस करूंगा. ठीक है, बट बिफोर दैट आई वुड वॉन्ट यू to also see another video. ठीक है, हमारे पास एक छोटा सा टाइम और बचा है, तो उसमें let me show this another video. ठीक है, इसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ कहाँ गया चैट, इस पर शेयर कर देता हूँ. ठीक है, इसको ग्रुप पे भी शेयर कर दो. ठीक है, इट इज अ कपल ऑफ मिनट्स लॉन्ग वीडियो.
ठीक है, लेट मी सी अगर यहाँ पर राइट ठीक है. सो ऑल राइट, सो एक बार आप ये वाला वीडियो भी देखो. नाउ दिस वीडियो इज एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशंस दैट वी जस्ट स्पोक अबाउट, दैट व्हाट वर द मॉडिफिकेशंस डन. ठीक है, एक बार आप लोग देख लो, गिव इट अ ट्राई बाय योरसेल्फ एंड देन I will also explain this. ठीक है, लास्ट वाला पार्ट रहने दो, एक्सरे ट्यूब वाला. एक्सरे इज नॉट समथिंग विच वी आर राइट नाउ फोकस्ड ऑन. ऑल राइट, नाउ माल्टीज फाल्टीज छोड़ दो पवन, तुम जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें फोकस करो. ठीक है, लेट मी प्ले दैट वीडियो ओवर हेयर ऑन द स्क्रीन एज वेल. ठीक है, सो सबसे पहले उन्होंने डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड बताया. ठीक है, विच हाईलाइटेड द फैक्ट दैट द यू नो इलेक्ट्रॉन्स और दिस कैथोड रे ट्यूब इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो पहले वाले पे फोकस करो एक बार यहाँ पे. ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है. अब इस पहले एक्सपेरिमेंट का सेटअप में आप नोटिस करना, वैसे तो ग्लास वॉल पे स्ट्राइक करते हैं तो भी ग्रीन ग्लो आता है, बट उन्होंने पीछे जो यू नो कोटिंग लगाई है दैट इज समथिंग विच इज अ यू नो स्पेशल मटेरियल. ठीक है, जिंक सल्फाइड भी हो सकता है या फिर देर आर अदर फोटो सेंसिटिव सब्सटेंसेस ऑल्सो, तो उससे और अच्छे से ग्लो दिखता है. ठीक है, तो अब इस सेटअप में व्हाट दे डिड वाज दैट उन्होंने ऐसे एक्सटर्नल फील्ड लगाया एंड एक्सटर्नल फील्ड लगाने से एज यू कैन सी दैट द बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द रेज कैन बी सीन क्लियरली. ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा वापिस से पीछे करके देखोगे तो जैसे उन्होंने मैग्नेट लेके आए पास में, लेट मी ब्रिंग इट बैक. अरे जैसे मैग्नेट पास में लेके आते हैं तो देर इज अ डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन. ठीक है, सो दिस शोज दैट दीज rays, they are made up of the particles that can get deflected by an external electric or magnetic field. Okay, so and the direction in which the deflection happened that showed that it was negatively charged. Okay, then iske baad mein this was something that they used to you know show the shadow wala part jo maine aapko bataya that beech mein agar object place kar diya to us object ka shadow ban gaya hai, so it kind of gives the direction in which these rays were flowing. ठीक है,
फिर उसमें अब उसने शेडो हटा दिया, ठीक है, शेडो हटा दिया एज एन ऑब्जेक्ट हटा दिया बीच में, तो उस ऑब्जेक्ट का जहां पर पहले शेडो बन रहा था वहां पर अब वापस से पार्टिकल्स जा पा रहे हैं, ठीक है। फिर से उसने वापस ऑब्जेक्ट रख दिया तो वापस से पार्टिकल्स ब्लॉक हो गए एंड शेडो क्रिएट हो गया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच demonstrates that the direction of the direction in which the rays were going. Then ये third वाला experiment था paddle wheel वाला, जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरीके से यहाँ पे paddle wheel setup कर दिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या उन्होंने light नहीं बंद करी है properly, तो इसलिए rays का glow वगैरह नहीं दिख रहा अच्छे से, ठीक है। हाँ, सो आदित्य जब उन्होंने ऑब्जेक्ट हटा दिया तब भी उसका इंप्रेशन इसलिए दिख रहा है बिकॉज उसके सराउंडिंग का ग्लास का एरिया ऑलरेडी एक्सपोज हो गया था पहले, ठीक है। उसके सराउंडिंग का एरिया ग्लास से एक्सपोज हो गया था एंड अब जब वापस से ऑब्जेक्ट उन्होंने हटाया तो जो एरिया एक्सपोज नहीं हुआ था वहां पर भी अब ग्लो दिखने लगा और वो थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी का ग्लो दिखने लगा, ठीक है। नाउ अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखना इस वाला लाइट पैडल व्हील वाला, ठीक है, पैडल व्हील वाला ऑब्जर्व करना। यहाँ पर अभी पैडल व्हील दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? इट इज बिकॉज वो पीछे जो आदमी है वो पोलैरिटी को चेंज करता जा रहा है, ठीक है। पहले वो लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव और राइट हैंड साइड को पॉजिटिव कर रहा था और फिर उसको उसने स्विच कर दिया, तो पैडल व्हील इसलिए आपको मूव करता हुआ इन बोथ द डायरेक्शन नजर आया, ठीक है। उसमें लाइट उन्होंने हाँ, तो अन्वेषा एक्चुअली आपने जो पॉइंट आउट करा है यहाँ पर दैट यू नो इट लुक्स लाइक अ एलईडी फैन, तो एक्चुअली बाद में ये पता पड़ा, ठीक है, दिस वाज समथिंग विच वाज डिस्कवर्ड मच लेटर और नॉट डिस्कवर्ड एक्चुअली कैलकुलेटेड मच लेटर। ये जो मूवमेंट हुआ पैडल व्हील का, ठीक है, ये जो पैडल व्हील का मूवमेंट हुआ यहाँ पर, this is actually not because of the momentum transfer. ये बाद में पता पड़ा that it is because of temperature difference. तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं उस साइड पर जो पैडल व्हील है उसका टेम्परेचर बढ़ गया एंड दूसरी साइड पर टेम्परेचर कम था, तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्चुअली दिस मोशन अकर्ड। बिकॉज जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करी बाद में तो इतना समझ में आया that electrons do not have the adequate amount of momentum to produce this large amount of mechanical motion, theek hai, because electrons ke comparison mein jo wo wheel hai that is actually very very massive as compared to what electrons can do, theek hai. So this was something which was discovered much much later, or I should say calculated much later, that it is not because of the momentum being transferred, it is actually because of a temperature gradient, theek hai. But that's an additional point of knowledge. आपसे थ्योरी में कोई डिटेल्स नहीं पूछने वाला है इतनी, ठीक है, जेई में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। द ओनली रीजन व्हाई आई टुक दिस लेक्चर यू नो इन दिस मैनर इज आई वांटेड दिस थिंग टू बी अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है। मैंने आपको नोट्स वगैरह नहीं लिखाया है अभी इस चीज के एंड बुकलेट में एक्चुअली इसके नोट्स हैं, मतलब बुकलेट का आप स्टार्टिंग का थ्योरी वाला पार्ट पढ़ोगे ना तो ये बेसिक बेसिक चीजें उसमें सब बताई हुई है। I just wanted to make this a little more interesting for you so that you actually see how an experiment work, theek hai, and not because of some animation, matlab I didn't want to use any animation of sorts, this is the real experiment in front of you, theek hai, and theek hai, aryan iske video ke end mein x-ray wala part hai but you can skip that x-ray wala part for now, theek hai, abhi x-rays ki detail mein jaane ki zarurat nahi hai, that's a separate topic in itself. ठीक है, एक्चुअली जिस टाइम पर ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स स्टडी करे जा रहे थे 1870s के अराउंड 1880s के अराउंड, एक्चुअली इन्हीं से रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई, ठीक है, जो मैडम क्यूरी एंड हर यू नो स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी वो एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हुआ, एक्सरे से एक्चुअली विलियम रॉन्टगन ने यू नो स्टार्ट किया कैथोड रे का सेटअप यूज करके। William Rontgen, he understood about X-rays and then those X-rays further helped us develop an understanding about radioactivity as a property. ठीक है, तो वो अपने आप में एक पूरा अलग चैप्टर होता है called as न्यूक्लियर केमिस्ट्री,
ठीक है, जिसमें रेडियो एक्टिविटी एंड ये सब का डिस्कशन होता है. राइट नाउ आई डू नॉट वॉन्ट टू वेंचर इन टू दैट डिटेल. ठीक है, सो लेट्स नॉट गो इन टू दैट एक्सरे वाला पार्ट. अच्छा, अभिनव इज आस्किंग व्हाई इज द टेम्परेचर चेंजिंग, बिकॉज सी इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो कैथोड रे के पार्टिकल्स है, वो स्ट्राइक करते हैं विद हाई स्पीड्स. तो वहां जहां पर ये मेटल पे स्ट्राइक करते हैं ना, वहां पर यू नो देर इज दिस कोलिजन दैट हैपन्स बिटवीन दोज पार्टिकल्स एंड द मेटल सर्फेस. तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर चेंज होता है. ठीक है, एंड दैट इज वॉट एक्चुअली लेड टू द यू नो दिस काइंड ऑफ मोशन. सो एनी वेज दैट काइंड ऑफ हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का नेग्लिजिबल मास है अभिनव, दैट इज ट्रू, बट उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, दे ट्रेवल एट अ वेरी हाई स्पीड बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट किया गया है ना. ठीक है, अच्छा, देन लेट मी कम टू दिस क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड सम टाइम बैक, दैट व्हाट इज दिस कलर, व्हाई इज दिस कलर. सो यहाँ पर एक्चुअली कैसा होता है, दैट कलर वाला पार्ट इज समथिंग दैट यू विल गेट टू नो जब हम लोग आई थिंक फोर्थ लेक्चर में आ जाएंगे. तो होता कैसा है, वेन यू नो these radiations, these electrons, ठीक है, यहाँ पर जैसे आप notice करोगे, मैं ये पिछले वाले experiment में पीछे आ रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो green glow आप लोगों को दिखा था, ये green glow क्यों दिखा था, is what happens is that these cathode ray particles, these electrons, they actually strike the glass का surface. अब glass की surface पर glass के atoms present है, ठीक है, molecules और atoms present है, and when these electrons strike those atoms or molecules, what they do is that they you know, kind of excite electrons in those atoms of glass metals or glass tube. ठीक है, and those electrons that get excited, ठीक है, they become of a high energy. They again de-excite. They kind of lose energy, and they lose energy in form of you know these visible region ka rays. ठीक है, so sometimes green color दिख रहा है, कई बार कुछ और कलर दिखेगा, तो वो ऑल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेज दैट आर एमिटेड. ठीक है, सो राइट नाउ एज आई सेड कि आपको थोड़ा सा डिटेल्स पता पड़ेंगे फोर्थ लेक्चर में कलर के ऊपर जब मैं बात करूंगा. अभी के लिए यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट दीज कलर्स आर बिकॉज ऑफ द लाइट रेज दैट गेट एमिटेड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द ग्लास वॉल्स. ठीक है, देन अन्वेषा का एक और डाउट है दैट विल द ग्लो स्टे इफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ. वेल, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सब्सटेंस. सम सब्सटेंस जहां पर एक्चुअली फॉस्फोरेसेंस बेस्ड एक्साइटेशन होता है, तो वहां पर एक्चुअली बाद में भी ग्लो दिखता है, दे हैव डिलेड डी एक्साइटेशन. ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो. ठीक है, सो नाउ ओके, लेट मी बी क्लियर ऑन दिस. इस पर से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट द न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. दिस वाज समथिंग व्हिच वाज प्योरली थ्योरी. आई वांटेड टू ब्रिंग दिस एज एन इंट्रोडक्शन, इस वजह से मैंने ये आप लोगों को वीडियोस दिखाए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे. मैं थोड़ा डिटेल में आपको एनोड रेज के बारे में भी बताऊंगा. ठीक है, एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस पार्ट ऑफ कैथोड रेज इन अ स्लाइटली बिट मोर डिटेल. ठीक है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है जिससे ये रेज प्रोड्यूस हुए. ठीक है, व्हाट लेड टू दिस रेज. सो अभी तो जस्ट स्टोरी स्टार्ट हुई है, डोंट वरी. स्टार्टिंग के कुछ एक दो लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा कहानी ले लेकर ही बिल्डअप करेंगे. ठीक है, हाँ, मैं कलर एंड ऑल एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास. आज का हमारा टाइम एक्चुअली ओवर हो गया है, सो लेट मी नॉट टेक अवे लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यू नीड टू हैव अ ब्रेक बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर. So we will continue from here in the next lecture only. Till that time, you have these two videos. You know, you yourself can do some independent research. ठीक है, आप लोगों ने देखा है, आप लोग पढ़ सकते हो. Maybe read a wiki page or two and try to you know find some things on your own. ठीक है, it will be interesting. Let's discuss this in the next class then. Okay. All right. So let me close today's class. ठीक है, guys. Thank you so much for your time.